और मेरे भाइयों का हालचाल कैसे हो सर। तो भाई आज फाइनली मेरा काउंट कार्ड लग चुका है और मेरा रैंक चल रहा है कुछ 295 के अराउंड कुछ चल रहा है। तो फिलहाल आज जो है मैं कॉन्करर पहुंचने का फास्ट मैच है जो कि कॉन्करर बैच के साथ खेल रहा था कॉन्करर भाई फ्रेम लेने के लिए। तो भाई आज की गेम प्ले जरूर एंड तक देखना और उसी के साथ आज वाले गेम प्ले कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि एंड तक देखना भाई सर्कल में बहुत ही ज़्यादा बंदे बचे रहते हैं और उनके साथ फाइट लेने में भाई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि वाटर सिटी का जोन बन जाता है। फिलहाल मैं इधर उतरता हूँ और उतरते मुझे गन मिल जाता है लेकिन बंदे सामने की साइड होता है। अब देखो उधर साइड किल नहीं होता तो मैं इधर के साइड आता हूँ तो एक बंदा मेरे को टीपी भी लेते हुए दिखता है। अब इस बंदे को मारता हूँ तो ये बंदा जिसके लिए टीपी भी लेता है वो बंदा मेरे को मार देता है तो मैं जो है नीचे की साइड चला जाता हूँ। अब देखो मैं जो है जोन की इधर की साइड आता हूँ तो मेरे को ओपन में एक बंदा भागता हुआ दिखता है। अब भाई देखो इस बंदे को मारने के बाद मैं जो सीधा जोन के मिडिल में पहुंच जाता हूँ। अब इस गेम में क्या होने वाला है कि भाई देखो जोन जो है पानी के अराउंड घूम रहा था और घूमते घूमते लास्ट में जाके भाई वाटर सिटी में पड़ जाता है और भाई इधर जो जोन होता है ना भाई काफ़ी दिक्कत देने वाला है और भाई उसी के साथ बंदे भी बहुत ही ज़्यादा अलाइव रहता है। फिलहाल मैं जो इधर सोच रहा था कि नेक्स्ट जोन बनेगा तो किधर बनेगा इस वजह से मैं जो अपना प्रिडिक्ट कर रहा था और उतने में सामने से एक बंदा आता है जो कि डरसिया लेकर आता है। अब देखो इस बंदे को हल्का फुल्का डैमेज देता हूँ लेकिन बंदा जो है उधर ही रुक जाता है। अब इस बंदे को भाई कैसे मारूँ ये सोच रहा था तो मैं जो है ऊपर की साइड चला जाता हूँ। अब देखो इधर की साइड बहुत सारे बंदे होता है क्योंकि इस सर्कल में 17 बंदा है और सारे के सारे उस साइड नहीं जा पाए अभी तक तो इस वजह से मैं जो है थोड़ा ध्यान लगा के खेल रहा था तो इस वजह से मैं ऊपर की साइड आता तो बंदा स्मोक करके जा रहा था। अब भाई इस बंदे को तो मार देता हूँ लेकिन अभी दिक्कत की बात होता है कि भाई देखो मेरे को जोन के लिए निकलना पड़ेगा लेकिन भाई मेरे पास दो ही ऑप्शन नहीं है तो गाड़ी लेके भाई ब्रिज से जाना पड़ेगा और नहीं तो भाई पानी से जाना पड़ेगा। अब देखो दोनों जगह में रिक्स है क्योंकि अगर पानी से गया तो मेरे हाथ में गाड़ी नहीं रहेगा जैसे ही मैं उस तरफ जाऊँगा कोई ना कोई बंदा स्पॉट करके मार देगा। इस वजह से भाई मैंने सोचा कि गाड़ी लेके क्यों ना एक रिक्स ले आ जाए अगर मैं बच गया तो भाई बहुत ही आराम से जोन एंट्री मिल जाएगा और अगर पानी से गया वैसे भी भाई कोई ना कोई बंदा स्पॉट करके मार देगा। फिलहाल इधर मुझे एक बंदा स्पॉट होता है जो कि पानी से ही जाएगा और इस बंदे को मैं ही मारूंगा तो देखते जाओ। फिलहाल मैं जो ब्रिज में आता हूँ तो एक बंदा एकदम ओपन में लेट के भाई ग्रोजा से मारने का ट्राई करता है मेरे को और मैं जो है भाई साइड कटा के भाई गाड़ी लेके निकल पड़ता हूँ। फिलहाल भाई इधर सक्सेसफुली ब्रिज भी क्रॉस कर लेता हूँ। अब देखो मैं सोचा था कि भाई इधर के साइड भाई जोन गिरेगा इस वजह से मैं जो है स्क्वाड हाउस में सीधा पुश कर देता हूँ। अब मुझे पता था कि स्क्वाड हाउस में बंदा होगा पहले से और वो ही हुआ मतलब बंदा था पहले से और मैं जो इधर घुस जाता हूँ। अब ये जो बंदा था ऊपर था और बंदा किसी पे भी पुश नहीं कर रहा था ना ही नीचे आ रहा था ना ही मेरे को मारने का ट्राई कर रहा था तो मैं पहले तो इधर आता हूँ फिर इस बंदे का भाई पोजीशन पता करता हूँ उसके बाद जाके इस बंदे के ऊपर नेट वेट करता हूँ। अब देखो इधर बहुत ही बड़ा दिक्कत हो जाता है कि देखो मेरे पास तो पहले से एक बंदा है जो कि मेरे को निकलने नहीं देगा ऊपर से भाई जोन कट के भाई वाटर सिटी के ऊपर पड़ जाता है। अब इधर से तो निकलना होगा ही इसके लिए मेरे को इस बंदे को पहले मारना होगा नहीं तो ये बंदा मुझे किसी भी हालत में बाहर निकलने ही नहीं देगा। इस वजह से मैं जो इस बंदे को जल्दी जल्दी मारना स्टार्ट कर देता हूँ और इधर आके मैं जो नेट करने का ट्राई करता हूँ तो राइट साइड से एक बंदे को फुस्टे पता है। अब देखो भाई ये वही बंदा होता है जिसको मैं बगी से कुचल नहीं पाया था और मैंने बोला था कि भाई ये पानी से आएगा और मेरे हाथ ही मरेगा तो वो बंदा मेरे हाथ ही मरता है और मैं भी आकर इस तरीके से आता तो कोई ना कोई बंदा मेरे को स्पॉट करके आराम से मार देता। फिलहाल मैं जो इस बंदे को जल्दी से जल्दी मार के इधर से निकलने का ट्राई कर रहा था क्योंकि अगर इस बंदे को नहीं मारा तो ये बंदा मेरे को निकलने नहीं देगा इधर से। इस वजह से मैं जो इस बंदे के ऊपर नेट करता रहता हूँ लेकिन बंदा जो है भाई काफ़ी अच्छा खासा कवर बना के बैठ जाता है। अब देखो इधर क्या सीन होता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रहा था कि भाई इसके ऊपर नेट करके तुरंत पुश कर दूंगा तो अगर मेरे नेट से बचने के लिए ऊपर जाएगा तो भाई ये नेट में फट जाएगा और नहीं तो मैं इसको गन से मार दूंगा तो वही करता हूँ मैं इसके ऊपर नेट करता हूँ और सीधा इसके ऊपर पुश कर देता हूँ और बंदा मेरे ट्रैप में फंस जाता है बहुत आराम से मर जाता है। अब देखो मैं जो इधर से बगी लेता हूँ और सीधा अंधाधुंध किसी भी घर में जाकर ठोक देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं कि बंदा किधर किधर है क्योंकि बहुत ही छोटा जोन है और इसमें जो है 9 बंदे लाइव है और मैं जो है लकीली इधर आता हूँ तो ये सैक खाली मिल जाता है और मैं इधर आके होल्ड करना चालू कर देता हूँ। फिलहाल इधर मैं नहीं रुकता क्योंकि अगर इधर रुकूंगा तो भाई आउटसाइड से कोई नेट आएगा और मैं बहुत ही आराम से मर जाऊंगा और उसको स्पॉट भी नहीं कर पाऊंगा।
फिलहाल भाई इधर साइड फाइट चलता है, इसी का फायदा लेके मैं जो स्क्वाड हाउस में घुस जाता हूँ। अब जब स्क्वाड हाउस में घुसता हूँ तो पहले से एक बंदा रहता है जो कि नीचे आके उस घर वाले बंदे को मारने का ट्राई करता है। अब इस बंदे को उजी से डैमेज देता हूँ और एकदम से घुस जाता हूँ तो इस बंदे को बहुत ही आराम से मैं मार देता हूँ और स्क्वाड हाउस भी मैं अपने हवाले कर लेता। अब देखो पांच बंदे अभी भी इस सर्कल में भाई जिंदा है और सारे के सारे कंपाउंड लेके बैठे हैं। तो भाई अभी जोन का मतलब टाइम होता है कि जोन जिसके ऊपर कटेगा भाई चिकन मिलने का चांस भी उसका ही होगा। तो फिलहाल मैं जो ऊपर की साइड आता हूँ तो एक बंदा मेरा नीचे आ जाता है। अब भाई नीचे तो बंदा आ चुका है लेकिन इसको कैसे मारूं, मतलब ये बंदा ना ही मेरे ऊपर पुश कर रहा था ना ही भाई ये बंदा नेट वेट कर रहा था मेरे ऊपर, तो ये बंदा एकदम कोना पकड़ के बैठ जाता है। अब मेरे को डर था कि मैं अगर किसी तीसरे बंदे के साथ फाइट लूंगा तो ये बंदा बहुत ही आराम से मेरे ऊपर थर्ड पार्टी करने वाला होगा, तो इस वजह से मैं इस बंदे को पहले मारने का ट्राई करता हूँ। उतने में इधर साइड से एक बंदा स्पॉट होता है। अब इस बंदे को एक हेड देता हूँ और बंदा जो उधर ही लेट जाता है, लेकिन इस बंदे को भी जोन में आना होगा तो मैं जो इसको ध्यान में रखता हूँ। फिलहाल इस बंदे को मारने की ट्राई करता हूँ लेकिन ये बंदा जो है भाई कोने में जाकर बैठ जाता है और इसको भाई कोई थर्ड पार्टी बंदा मार देता है मतलब दूसरी तरफ से। अब देखो ये जो नीचे का साइड होता है ना इधर भाई समझ नहीं आता बंदा भाई उस पैनिक रूम में होता है कि लेफ्ट साइड की कॉर्नर में होता है, इस वजह से मैं भी नहीं गया और आप लोग भी ध्यान रख के जाना अगर पुश कर रहे हो तो इधर के साइड, मतलब भाई कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं तो बहुत ही ज़्यादा। फिलहाल ये जो सामने वाला बंदा होता है वो भाई स्मोक करके जोन के अंदर आने का ट्राई करता है और भाई वो बंदा मेरे से स्पॉट हो जाता है। और ये बंदा जैसे ही स्पॉट होता है तो इसको मार देता है और उस बंदे को मेरे नीचे जो बंदा होता है उस बंदे को भी भाई कोई और बंदा किसी और कंपाउंड से मार देता है। अब देखो इधर एक सीन देखना भाई, मतलब भाई इस कंपाउंड में एक बंदा होता है जो कि इस बंदे को मारा था मेरे नीचे वाले बंदे को, तो मैं जो इसके ऊपर नेट करता हूँ। अब इधर ही बंदा होता है लेकिन फास्ट नेट में ये बंदा बच जाता है और इसके ऊपर कंटिन्यू मैं दो नेट करूंगा, लेकिन दो नेट में एक ही जगह पे कैसे ये बंदा सर्वाइव कर जाता है मुझे भी नहीं पता। अब देखना लास्ट में जाके क्या सीन होगा। फिलहाल भाई इधर दूसरे बंदे को भी मैं जो स्पॉट कर लेता और वो बंदा सामने वाले कंपाउंड में आके बैठ जाता है। फिलहाल भाई दो बंदा स्पॉट हो चुका है, एक बंदे का एग्जैक्ट लोकेशन पता है, मतलब दोनों बंदे का एग्जैक्ट लोकेशन पता है लेकिन वो लोग कहाँ जगह बैठा है वो नहीं पता। अब देखो सामने वाले कंपाउंड में जो है मैं एक नेट करता हूँ और उसी के साथ भाई लेफ्ट वाले कंपाउंड में भी एक नेट करता हूँ, लेकिन ये बंदा इधर कैसे सर्वाइव होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कैसे बच गया था इस नेट में। फिलहाल इधर नेट करता हूँ एग्जैक्ट उसी जगह पे पड़ता है लेकिन बंदा नहीं फुटता, इस वजह से मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस आता है और मैं जो है एकदम खड़ा होकर इस सामने वाले कंपाउंड में नेट करता हूँ। अब जैसे ही नेट करता हूँ तो मैं इससे पहले जो नेट किया था बंदा उधर ही उठ के उसी जगह से मेरे ऊपर भाई फायर करता है, लेकिन ये बंदा उधर कैसे सर्वाइव कर जाता है मुझे भी बिल्कुल नहीं पता। तो फिलहाल अब सर्वाइव नहीं करने दूंगा। अब जो है मैं इधर साइड आता हूँ और इधर आके एकदम कुक करके बहुत ही आराम से इसके ऊपर एक नेट करता हूँ और बंदा फूट जाता है। और इस बंदे को जैसे ही मारता हूँ मेरे अंदर पता नहीं कौन सा भाई खुजली मच गया था, मतलब भाई अलग ही नेक्स्ट लेवल का सोचना चालू कर दिया था। अब देखो सामने वाला बंदा का एग्जैक्ट मेरे को लोकेशन पता है और मेरे हाथ में एग्जैक्ट चिकन आ चुका है, लेकिन मैं जो है भाई इधर कुछ खुरापती सोचता हूँ। फिलहाल मैं जो एकदम ओपन में जाता हूँ इस बंदे को मारने के लिए, एकदम इसके मुंह पे एकदम इसकी रेडर पे जाके बैठ के नेट करने का ट्राई करता हूँ और बंदा देखो मतलब भाई एक तरीके से मैं बताऊँ तो सच सच मेरे हाथ से चिकन इसके हाथ में देके आ गया, तो मतलब क्या ही नूबड़ा बनती किया लास्ट में जाके। फिलहाल आप लोग कमेंट में जरूर बता देना कैसा लगा आज का गेम प्ले। गेम प्ले तो आज के लिए इतना ही, अगर पसंद आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट गेम प्ले लेकर वापस। बाय गाइस।